हाय फ्रेंड्स, पद्मा किचन में आप लोगों का स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ लॉन्ग से बालों को कैसे लंबे किया जाए और ग्रोथ कैसे बढ़ाया जाए। तो सबसे पहले आप लोगों को बताना चाहती हूँ, अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन बटन को ऑन करके ऑल कर दीजिएगा, जाके मेरा न्यू वीडियो आपके पास पहुँच पाए। तो आप लोगों को इस टिप से पता लगेगा आप लोगों की बालों की ग्रोथ कैसे बढ़ाया जाए। ये टिप्स आप लोगों को बहुत फायदेमंद हो सकता है अगर आप सही तरीके से इस्तेमाल करेंगे। तो टिप्स बनाना शुरू करते हैं। इस टिप्स के लिए आप लोगों को ज़्यादा सामान की जरूरत नहीं पड़ेगा, एकदम आसान तरीके से बनाएंगे। तो इस टिप्स से आप लोगों की बाल लंबे तो हो ही जाएंगे अगर छोटा है तो। अगर आपके बालों में डैंड्रफ है वो भी कम कर देती है ये, तो इस टिप्स से आप लोगों को बहुत फायदे मिलेंगे। ट्राई जरूर कीजिएगा, ये टिप्स आप लोगों को एक हफ्ते तक ट्राई जरूर करना है। तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते टिप्स। उसके लिए ले लिया मैंने एक कटोरी में लौंग। तो आप लोग सोच रहे होंगे एक टिप्स में इतना सारा लौंग वेस्ट करेंगे, तो आप लोग इसको रख भी सकते हैं, बाद में इस्तेमाल कर सकते हैं। और हाँ, लौंग हमारे बालों को काले करने में मदद करते हैं, लंबे करने में मदद करता है। और कई सारे लोग तो चाय में भी डाल के चाय पीता है इसका। अगर सर्दी जुकाम हो तो फिर भी चाय में डाल के पिया जाता है। अगर किसी का दाँत में दर्द है तो लौंग, एक लौंग रखने से दाँत में दर्द कम हो जाता है। लौंग हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है। लौंग को कई सारे लोग पॉकेट में रखता है। इसे मुंह में रखने से फ्रेशनर मिलता है और ताजगी मिलता है। इसका जो ऊपर वाला पीला हिस्सा है ना, आप इसका हटा भी सकते हैं। इस टिप्स में तो इस्तेमाल कर सकते हैं आप। तो मैं यहाँ पे इतना सारा लौंग को इस्तेमाल नहीं करूँगी, इस टिप्स में थोड़ा सा ही लौंग की ज़रूरत है। आप इसको बाद में इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप लोगों को 2-3 दिन के लिए बना के रखनी है तो आप लोगों को ये भी दिखा देती हूँ आप लोगों को कितना लौंग लेना चाहिए। तो यहाँ पे मैं इतना सारा ही यूज़ करेंगे, ये देखिए इतना ही चाहिए हमारा एक टिप्स के लिए। 3-4 दिन के लिए ठीक है इतना लॉन्ग। और ये जो पीला वाला हिस्सा आप हटा सकते हैं, लेकिन इस टिप्स में ये ज़रूरी है, हमारे बालों के लिए है। तो चलिए शुरू करते हैं टिप्स बनाना फ्रेंड्स। फ्रेंड्स आप इस वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा, नहीं तो आपको पता ही नहीं लगेगा ये टिप्स। तो मैंने यहाँ पे एक बर्तन रख लिया चूल्हे के ऊपर और इसमें नाप के एक कटोरी पानी डाल देंगे, क्योंकि इस पानी को आधा करना है हम लोगों को सुखा के। और साथ ही साथ डाल देंगे लौंग। आप लोग सोच रहे होंगे कितना सारा लौंग वेस्ट हो रहा है, तो आप इसको सुखा के रख सकते हैं, बाद में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसको उबालने के लिए रख देंगे 6 से 7 मिनट। आप लोग आपका बालों को अच्छा दिखाने के लिए कई सारी चीज़ें लगा लेते हैं बालों में, इससे आप लोगों के बाल खराब हो जाते हैं और रफ हो जाता है। कई सारे लोगों को तो लौंग से ही शुरू होता है सुबह। तो देखिए इसका कलर बदल गया है, ये देखिए एकदम येलो कलर हो गया है, ये देखिए। तो मैंने इस पानी को लौंग डाल के 6-7 मिनट तक मैंने इसको बॉयल कर लिया है। तो देखिए फ्रेंड्स, इस पानी को मैंने बॉयल करके आधा कर लिया है, ये देखिए निशानी दिख रहा है ना, ये देखिए। तो फ्रेंड्स इस पानी को अभी ठंडा होने के लिए रख देंगे। ये जब तक ठंडा ना हो जाए तब तक ये लौंग को इसी में रहने देना है। तो फ्रेंड्स पानी को अभी छान लेंगे एक कटोरी के अंदर। तो मैंने एक शीशे की कटोरी के अंदर पानी को छान लिया है, ये अभी भी गर्म है, इसको ठंडा करके लेना है हल्का। आप कुछ भी टिप्स बनाएं अपने बालों के लिए तो गर्म गर्म नहीं लगाना है। तो मैंने इस पानी को ठंडा कर लिया है और इसमें डाल देंगे आधे से भी कम, सोच लो 1 चम्मच नींबू का रस इसमें डाल देंगे। तो मैंने यहाँ पे नींबू का रस डाल दिया है। और एक चीज़ डालेंगे इसमें, ये है विटामिन की ई की गोली है, ये आपको कोई भी मेडिकल स्टोर में मिल जाएगा। तो मैं यहाँ पे एक गोली डाल रही हूँ, इसको काट के इसका जो तेल है ना इसमें डाल के मिला लेना है, ये देखिए इस तरीके से। ये विटामिन की ई की गोली हमारे बालों के लिए बहुत फ़ायदेमंद है, ये हमारे बालों को मजबूत करता है। और इसमें डाल रही हूँ मैं नारियल का तेल, ये आप लोगों को बालों को शाइनिंग करेगा और सिल्की करेगा, इसलिए मैं इसमें डाल रही हूँ। कई सारे लोगों को तो तेल लगाना पसंद नहीं है, लेकिन ये जो टिप्स बना रही हूँ ना मैं, ये आप लोगों के लिए बालों के लिए ज़रूरी है। तो मैंने यहाँ पे सारे चीज़ों को डाल के रेडी कर लिया है, इसको अच्छी तरीके से मैंने मिक्स कर लिया है। तो आप लोगों को बताती हूँ आप लोगों के बालों में कैसे मालिश करना है इसको लगा के, तो आप लोगों को दिखा देती हूँ मैं। आप लोगों को और एक बात ध्यान रखना है, ये गर्म गर्म ना लगाए अपने बालों में, आप लोगों को ठंडा करके लगाना है। और ये देखिए इस तरीके से अपने उंगलियों से अपने सिर में इस तरीके से मालिश करना है, कम से कम 2-3 मिनट मालिश करके लगानी है।
आप लोग अगर तेल लगाना पसंद नहीं करते तो 3-4 घंटे के लिए आप उंगलियों की मदद से आप इस तेल को लगा के रख सकते हैं। ये तेल आप हफ्ते में 2-3 बार जरूर लगाइएगा, ये आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद है, ये आपका बहुत काम आने वाला है, तो आप ज़रूर लगाइएगा। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी मेरी ये टिप्स कमेंट पे ज़रूर बताइएगा, और वीडियो पसंद आई तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और बेल आइकन बटन को ऑन करके ऑल कर दीजिएगा। बाय।